आज है सैटरडे और पीहू का आज एग्जाम था. इसके एग्जाम के बाद अभी हम निकले हैं पीहू की नानी साकी. हाँ बेबी, हम कहाँ जा रहे हैं? घूमी मी किसके पास? नानी सा के पास. आज मैं और मम्मी कहीं जाने वाले हैं. हमने कुछ प्लान बनाया है, तो इसलिए हम जा रहे हैं नानी सा के पास. हम इन दोनों छुटको छुटकी को छोड़ेंगे घर पे और फिर मैं और इनकी नानी सा जाएंगे कहीं. ये तो ये अभी हमको छोड़ के आ रहे हैं, उसके बाद ही जाएंगे अपने ऑफिस अपने काम पे और हम लोग करेंगे हमारी मम्मी के घर पे मजे. और अभी बज रहे हैं दिन के एग्जैक्ट 11, मतलब 11 बजने में 5 मिनट है एग्जैक्ट. हमने सोचा था कि हम 9:30 या 9:45 निकल जाएंगे और उसके हिसाब से हम उठ भी गए थे, लेकिन पता नहीं मतलब इतना काम कहाँ से आ जाता है. आंटी काम करके भी चली गई, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करके चली गई, लेकिन उसके बाद भी मतलब अभी भी निकलते समय भी ऐसा लग रहा था कि अरे कुछ काम तो नहीं छूट रहा, अरे कुछ रह तो नहीं गया, मतलब खत्म ही नहीं होते हैं घर के काम सीरियसली. अभी 11 बजे हम निकल रहे हैं, वरना हमने प्लान इस हिसाब से बनाया था कि हम 10 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे ऑफिस. 10:30 बजे हमें जहां निकलना था मैं और मम्मी वहां चले जाएंगे, बट अभी 11:00 तो अभी हो गए जब हम घर से निकले हैं. अब मम्मी के घर पहुंचेंगे उसके बाद निकलेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा. और ये जो ये इंसान बैठा है ये आज मुझे कैब में भेजने की पूरी तैयारी में थे कि आप कैब से चले जाओ. मुझे पता है ये मजे ले रहे थे इसलिए मैं ज्यादा इनकी बातों में आई ही नहीं. मैं सही कह रहा हूं. आप सही भी कह रहे थे तो भी मैं कैब से नहीं जाती. नहीं पता नहीं क्यों आदत छूट गई अब. पहले मतलब जाते रहते थे तो ठीक था, बट ठीक है हाँ आप हो तो फिर कैब की कहाँ जरूरत है. आप नहीं होते कहीं गए हुए होते या मुझे मतलब तो फिर ठीक है कैब कर लेती हूँ, लेकिन जब आप हो तो फिर आप ही छोड़ के आओगे ना. दूसरे काम होते तो मैं समझ जाती हूँ, मैं स्निफ कर लेती हूँ कि हाँ कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो मैं आपको जिद नहीं करती, लेकिन आई डिडंट स्मेल एनीथिंग कि कुछ है इम्पोर्टेंट, तो इसलिए आप ही छोड़ के आओगे है ना. कोई शब्द नहीं है इनके पास. मुक्का पड़ जाएगा अभी देख लेना. आना कल कैब से ठहंगा, मैं तो नहीं आऊँ कैब से. तो मंडे को है ना इसका एग्जाम. तो मतलब एक तो इनको ना नाम सुनना चाहिए कि है ना मैं अपने बिखर जा रही हूँ. मतलब बाकी चीजें चाहे दुनिया जहान की चीजें भूल जाते हैं, इनको याद नहीं रहता है ना, लेकिन अगर मैं इनको एक बार बोल दूं कि यार सुनो मुझे ना इस काम से ना मम्मी के जाना है, ओहो इनका शुरू हो जाता है. कब जाना है. मैं अभी छोड़े हूँ, अभी छोड़े आता हूँ, शाम को छोड़े आता हूँ, आप टाइम से चले जाओ ये वो. और इतनी जल्दी इस इंसान को वापस लाने की रहती है. मैं वहां पहुंची और इनके दिन में 10 बार फोन आने शुरू हो जाते हैं, तो मम्मी बोलती तुम दोनों साथ तो वहीं थे, अब तो कम से कम फोन छोड़ दो तुम. भेजने की भी जल्दी है. सोचते हैं हाँ मैं कितने मजे करूंगा इनके बिना, फिर पता चलता है कि कोई मजे नहीं हो रहे, तो इनके वापस बुलाने की भी उतनी जल्दी हो जाती है. और फिर बच्चों से ऐसे मिलेंगे जैसे पता नहीं कितने सालों बाद मिल रहे होंगे उनसे. मिट्टी उठा ले. कितनी जेसीबी दिख जाती है, हमें नजर नहीं आती इसकी जेसीबी कहाँ है. इसको तो किसी दूर कोने में खड़ी होगी ना तो भी नजर आ जाएगी. जेसीबी. बाबू देखो ऑटो. आजकल ऑटो भी रिकॉग्नाइज करने लगा है, जेसीबी रिकॉग्नाइज करने लगा. जेसीबी तो बचपन से फेवरेट है इसकी, पता नहीं क्यों है. और ट्रैक्टर भी है. हाँ ऐसी चीजें पसंद है इसको. ये मेरे को डर नहीं लगता. इसे डर नहीं लगता. ओह वाओ ये क्या है, वाओ इतने सारे झूले. मेरे को भी आ जाना है. चलेंगे अपन. फाटक खुल गया है लेकिन बहुत हद वाला ट्रैफिक है यहाँ पे. दो दो ट्रेन्स गई हैं इसलिए हमें 10-15 मिनट हमें यहीं लग गई. देखो कितना सारा ये जो फ्लाईओवर है, ये ब्रिज जो बना हुआ है,
उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, वरना हम कब के पहुंच चुके होते घर पे। बेबी अभी आपने क्या देखी थी? कितनी ट्रेन थी? ट्रेन थी। अच्छा ऐसे बोलो, टू ट्रेन थी। अच्छा और बाबू ट्रेन कैसे करती है? इधर देख के बताओ, ट्रेन कैसे कर मेरी तरफ देख के बताओ, मम्मा की तरफ देखो, मम्मा की तरफ ट्रेन कैसे करती है? अब बताओ ट्रेन कैसे करती है? कुकु। नानी सबको नहीं ले जाएंगे। कहाँ नहीं ले जाएंगे नानी सबको? नानी सबको कहाँ? बारिश हो गई। ओह नो, हमारे पहुंचने से पहले ही दोनों भाई बहन पहुंच चुके हैं। खुश रहो बेटा। आप किसके साथ आए? आप किसके साथ आए? दीदी के साथ? के साथ? कौन सी लैंग्वेज है ये? आइए आइए, खुशी देखो इसकी नानी सा के घर पहुंचते ही। हाँ निकाल दो बेटा, समझदार बच्चा मेरा। ओहो निकाल दो, निकल जाएगी आपसे। ओरे बाबले, हाँ ये भी निकाल दो। नीचे से जाता हूँ ताकि वीडियो खराब ना हो। अरे कितने समझदार बच्चे हैं हमारे घर के। लोटा मोटा क्या? माँ गिली थी कल, मम्मी जी का पाँव फिसल गया था वो सीढ़ी पे से, तो बता रहा माँ गिरी थी फिर, और मैं चिप्स खा रहा था। जब माँ गिरी थी तब मैं चिप्स खा रहा था। तो चिप्स क्यों खा रहा था? माँ को उठाता? बदतमीज लड़का। नहीं बता, माँ गिर जाए तो उठाना चाहिए ना। माँ गिर जाए फिर माँ का हाथ टूट जाए, खुद गिर जाएगा उठाते उठाते। बेकार हो। अरे ये छोड़ो, पीऊ ही नहीं, उठी चिप्स खा ले दोनों भाई बहन बैठ के मजे से। बेशरम बच्चे। कुछ ध्यान नहीं करेंगे बाबू, मैंने रखा है शिंचन। शिंचन ले उसको दे दो। हाँ उसको दे दो। राज यहाँ क्या कर रहे हैं? ओहो ये गुब्बारा कब का है ये? ये बर्थडे का, अभी तक। इसको सिंचन देना तो। सिंचन देखो, ये देना बेटा इसको सिंचन दे दे। सिंचन दे दे, सिंचन ले अभी। सिंचन शिंचन को प्यारी कर दो तो। ओहो बच 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 बच। तो अभी हम निकल चुके हैं, मम्मी और मैं और ये सब हम निकल चुके हैं और पहुंचेंगे थोड़ी देर में, तो हम आपको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम चांदपोल पहुंच चुके हैं और अभी हम इसके बाद जा रहे हैं पुरोहित जी के कटला। पुरोहित जी के कटला जा रहे हैं, गेरा चांदपुर। और चांदपुर हम आ रहे हैं पता ही नहीं कितने सालों के बाद। हैं कितने साल हो गए मम्मी? घड़ी साल हो गए ना, आप तो फिर भी आए होंगे शायद। मैं हम आए थे जब मोनोपना की शादी के लिए शॉपिंग करी थी ना, उस टाइम एक बार या दो बार आए थे बस। और ये आ गया है चांदपुर का गेट। कर ली है, अब हम जा रहे हैं वापस घर।
भीड़ देखो कितनी भयंकर है। तो अब हमारी शॉपिंग हो चुकी है पूरी और हम ऑटो करके अब वापस घर जा रहे हैं। और ये है वो हॉस्पिटल जहाँ मेरे दोनों छुटकू मुटकू हुए हैं। तो अभी हम लोग वापस पहुंच चुके हैं घर और सर दर्द सीरियसली मार्केट जाना बहुत 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 हेक्टिक वाला काम है, बहुत मुश्किल है और पूरा मतलब शोर शराबे में इतना भयंकर वाला हेडेक होने लग जाता है। फिर आते ही मम्मी ने चाय बना के पिलाई एंड कितनी शांति मिली। तो हम क्या लेने गए थे वो आपको जल्द ही पता चलेगा, सारा रिवील करने वाली हूँ मैं कि हमने आज क्या क्या शॉपिंग करी। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पे और इसके अलावा यू कैन सब्सक्राइब मी ऑन माय Instagram टू दैट इज किरण राठौर ऑफिशियल। क्या कौन सी भाषा बोल रहे हो आप ये? ये क्या हो रहा है बेबी? मेरी चुन्नी के साथ क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो मेरी चुन्नी के साथ? ये मेरा बदमाश बच्चा। ये दोनों अपने नानो सा को पटाने में लगे हुए हैं कि हमें पट तो गए कब पट गए क्या? फिर क्या हुआ? फिर आप क्या कर रहे हो? नानो सा के साथ जाएंगे पर नानो सा कॉल नहीं उठा रहे। ओ ओ नहीं, अभी थोड़ी देर वेट करो। आशु तेरा पेट देख कितना बाहर आ रहा है कि खड़ा भी ऐसे ऐसे हो के खड़ा है पूरा। देख देख ये कौन आया? ये बाबू है। पापा देखो कौन आया? लक्ष्मी मां। पापा देखो कौन आया? लक्ष्मी लक्ष्मी। कहाँ गया? बीनंदी शर्मा रही है। कहाँ गया बीनंदी शर्मा? तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे आके मजे मार रही हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी मम्मी मुझसे प्रॉपर काम करवा रही है सुबह से। मुझे लगा रखा है और अब बोल रही है कि तू मशरूम की सब्जी बना बिकॉज तू सब्जी बहुत अच्छी बनाती। पापा ने बोला था कि मैं बना देता हूँ लेकिन मम्मी बोली नहीं 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 ये बनाएगी क्योंकि अच्छी बनाती है। तो अब मैं बड़े प्यार से बना रही हूँ मशरूम की सब्जी। इसमें ग्रेवी में हमने प्याज और लहसुन फिर हरी मिर्ची और अदरक उसको ग्राइंड करके डाला है। जब वो थोड़ा सा हो गया था तो उसके बाद उसमें मसाले डाल दिए थे सूखे मसाले, अब वो पक रहे हैं। इसके बाद डालेंगे हम टमाटर की ग्रेवी और उसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा काजू का पेस्ट। काजू का पेस्ट डालने से ग्रेवी बहुत ही अच्छी रिच बन जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसमें टमाटर डालने के बाद हमने थोड़ी सी देर उसको पकाया था और उसके बाद अब डाली है डाला था थोड़ा सा सॉस और अब ज़रा सी मलाई। ये हमारी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। हाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जोर से बोलो किसी को कैसी बनी है? बढ़िया एकदम। चेस देखो गुस्सा होके पड़ा है। देखो उसको गुस्सा होके पड़ा है। बड़े होने का यही फायदा है। बड़े होने के बेटा नुकसान भी है क्योंकि छोटों की डांट सुननी पड़ती है। हमें ऐसे ही करती है पर फायदा हो जाता है दूसरों को तंग करने के लिए। फायदा हो जाता है छोटों को, छोटे बच्चे मिल जाते हैं। बदमाशी की तो तेको डांट पड़ेगी, अगर इसने बनाशी तो भी तेको डांट पड़ेगी। मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी। अच्छा मत कर बेटा। बाबू बाबू आपको आइडिया कैसे आते हैं? अच्छा आप गुस्सा कैसे होते हो? ओह माय गॉड। So that was all for the day. आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।